आपका क्वेश्चन है ड्रॉ आ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है रेक्टेंगल बनाना, तो एक रफ स्केच बनाते हैं। तो दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको आप नेम भी कर सकते हो ए बी सी डी एनीथिंग। तो हमने क्या किया, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। यहां पर देखो उसने क्या बोला है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, नेबर वाला साइड, नेबरिंग साइड, साइड बाय साइड। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 5 है 5 सेंटीमीटर तो ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो 5 का एडजेसेंट इज दिस, दिस इज 4, और 4 का एडजेसेंट इज दिस, दिस इज 5। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो अभी हमको तो ये तो मालूम पड़ गया व्हाट इज द मेजर। अब एंगल्स, वी नो दैट इन रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, सॉरी ऑल एंगल्स इक्वल। That is equal to 90 degree. तो that means ये आपका 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अब हम इसको बनाएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, स्केल लेना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल करेक्ट 5 सेंटीमीटर का। तो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर नेम कर दो ए एंड बी। अब यहां पर आपको 90 डिग्री बनाना है, यहां पर भी 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और एक आर्क ए से बनाएंगे और एक आर्क बी से बनाएंगे, कोई भी मेजर, एनी मेजर, लेकिन मेजरमेंट को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आर्क यहां पर बनाया लाइक दिस और एक आर्क यहां पर बनाया। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहां से अगेन आपको दो आर्क बनाने हैं, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है आपको, पहले का जो था वही रखना है। तो यू विल सी एक आर्क यहां पर आएगा फ्रॉम हियर, अगेन वन आर्क इज हियर, यहां पर रख के फर्स्ट आर्क इज हियर, सेकेंड आर्क विल कम हियर, ठीक है। अब यहां ये दो जो आर्क आ गए हैं यहां पर और यहां पर, यहां से अगेन आपको आर्क, तो एक आपका आर्क विल कम हियर, दूसरा आर्क लाइक दिस, ठीक है। अब इसको आपको जॉइन करना है और एक्सटेंड भी करना है, अगेन यहां पर, अब आपको क्या करना है, कंपास के ऊपर आपको क्या लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रखने के बाद आई मेक एन आर्क हियर और यहां पर रखे कट एन आर्क हियर। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर और ये वाले आपके हो गए 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो अब ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब इसमें जहां पर नेम नहीं है, नेम इट, तो ए इधर है, बी इधर है, तो सी विल कम हियर एंड डी विल कम हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको